अब मैं इसके बाद अंग्रेजी के की सुपर फास्ट अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने वाले हमारे आ, महेश शर्मा जी संस्थान के कार्यों में जो है पूर्ण रूप से मनोयोग के साथ तत्पर समर्पित डॉक्टर महेश शर्मा जी को, को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आइए सर और जमाइए बढ़िया ढंग से जो है क्या है अच्छी प्रस्तुति दीजिए आचार्य जी का जो है योगदान लोगों के सामने रखिए डॉक्टर महेश शर्मा जी Thank you so much, sir. At the outset, I would like to welcome all of you on behalf of IQAC. Uh, usually, occasions of such nature are always of mixed feeling. On a lighter note, I do remember when we talk about something like retirement and all that. I come from Rajasthan, coming from a Marwadi family. When Seva Nivritti, Uh, गाजे बाजे के साथ उनको ले जाया जाता है राइट बिकॉज वी बिलीव दैट दिस आस्पेक्ट ऑफ लाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड नाउ आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट माई इमोशंस एंड टू द वर्ड्स सो आई चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम टू पुट एंड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर आई कम टू दैट आई वुड लाइक टू से कपल ऑफ थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अफकोर्स एज एवरीबडी मैंशनड हियर

एंड आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रोफेसर सामतेन दैट यी हैज चोजन अ ग्रेट रजिस्ट्रार फॉर ऑल ऑफ अस जिनमें सामतेन जी के कुछ गुण करुणा दूसरों के लिए कैर करना कमिटमेंट को मैंने देखा है तो एक कहीं लगता है कि अगर कहीं से हमें कोई क्षति हो रही है तो कहीं उसकी पूर्ति हो रही है और दूसरा जो उनके राइट में बैठे हैं सामतेन जी में एक कमाल की क्वालिटी है इनकी फियर लेस डिसीजन मेकिंग सामते जी ने अगर कोई डिसीजन लिया और उन्हें लगता है कि मैं इसके बारे में सही हूँ तो चाहे फिर ब्रह्मा भी आ जाए वो उस डिसीजन से कभी मूव नहीं करते और मैंने कई बार मिनिस्ट्री बड़े बड़े मंचों पे ये देखा है कि वो टस से मस नहीं होते एंड ही हैज नो रिग्रेट अबाउट द डिसीजन ही हैज़ टेकन एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि उनके राइट right साइड में हमारे पास जो नेगी जी बैठे हैं वंशुभदौर जे नेगी जी उनमें भी उनके उन अंश की छाप देखने को मिलती है तो देखिए कितना कमाल का एक समागम है इस मंच पे कि एक आदमी अपने कुछ प्रारूप को अपने प्रतिरूप को दूसरे लोगों के अंदर छोड़ के जा रहा है एंड दैट इज आल्सो अ विजन विच ही हैड चोजन बिकॉज एक चीज जो मेरे मन में हमेशा रही है क्वालिटी है सामतेन जी में वो है द वे ही मेक्स रिक्रूटमेंट्स इज समथिंग वी ऑल शुड लर्न और मैं आपको बता रहा हूं मैं कई बार यूनिवर्सिटी को कई मंचों पे रिप्रेजेंट किया हूं एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट एवरी टाइम पीपल विल टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दे विल ऑलवेज कोट वन नेम एज इफ इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ हॉलमार्क टू द क्वालिटी टू द अश्योरेंस दैट वेन दिस विल बी डन दल बी क्वालिटी प्रोडक्ट विच विल बी कमिंग आउट And that's what he again has proved. And I think officially we never had an occasion like this where, after joining of Registrar Ma'am, we have received Registrar Ma'am into the extended fold and family of the university. So, ladies and gentlemen, let's put our hands together at the outset, welcoming <laughs> Registrar Dr. Sunita Chandraji <laughs> as one of the representative administrative staff of our university. Now, as I told you, I have chosen a different mode and method, and this is our tribute, all of our tributes to Professor Navang something. And I'm very happy to tell you, sir, that this is not my initiative. This is a tribute to you by our registrar, ma'am.

And I was pretty mesmerized and baffled at the same time that this is something which in an hour or two, how we are going to do that. So when ma'am called me, I tried my best to put some of the um, pixels together because sometimes images are capable to express which words are not capable to do. Right? So I I wanted to change into a video with a lot of funky music and all. Then I realized that it will not be appropriate for the person we are attributing it to. His simplicity, his dedication, his acumen, his leadership qualities should be just presented in front of all of us, just like that, with the exact simplicity. So, this is a tribute to you, sir. Professor Nawang Samthin, a legendary journey which we have all gone through, and we are going to kind of visualize this with the help of something. Uh, the first

But because I joined pretty recently, and this is a very special day where we would like to congratulate Professor Samthan for this. So I am deliberately giving a lot of credit for all of this to Professor Samthan because it is his special day, and I think we should be expressing that gratitude to him. So if you will see this image, this is one image which um, Vice Chancellor said had selected with us for NAC. So if you'll see, there is His Holiness Dalai Lama, who is looking. वेरी फार डिस्टेंट इन टू द फ्यूचर एंड ही इज अकंपनीड बाई नन अदर दैन रिम्पोचे जी तो एक जो फाउंडेशन पड़ा है इस संस्थान का वो आपको एक इमेज बता सकती है कि हमें कितना दूर देखना है और इस संस्थान को कितना दूर तक जाना है उसका एक छोटा सा पड़ाव है सामतेन जी की लाइफ राइट right? बट वो पड़ाव बहुत मजबूत है वो पड़ाव 20 सालों से ज्यादा सालों का पड़ाव है उस पड़ाव में इस संस्थान ने बहुत कुछ देखा है और शायद अगर मुझे एक इमेज पिक करनी हो तो उस पड़ाव से इस पड़ाव तक की जो जर्नी इस संस्थान ने उपलब्धियों के थ्रू हासिल की है उसमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सामतेन जी का रहेगा और हिस्ट्री हमेशा इस कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखेगी आ, I, I was a bit mesmerized, what should i call, my first slide when i talk about this mesmerization, and nothing else came to my mind but a tagline, a leader was born. when you talk about leadership quality, these are the leadership quality. I'm, I'm not going to talk for every slide. don't worry, i'm just going to take it away. but then you will have to see those leadership quality everywhere in every slide. right. the kind of intensity with which he explains everything to everybody. i do remember in last four years, आ, मिश्रा जी को पता है इस संस्थान में कोई भी आता है राइट सबसे पहले सामतन जी अपने ऑफिस से उठ के रिसीव करते हैं और एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी के साथ हर चीज के बारे में संस्थान की हर ईंट की हिस्ट्री उनको पता है और वो बताते हैं चाहे वो कोई छोटा चाहे बड़ा चाहे मिनिस्ट्री का चाहे किसी भी तरह का इंसान रहा हो सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई थिंक वी शुड एंड देन ही एनरिच्ड अ काइंड ऑफ ही सिंथेसाइज्ड आई थिंक अ काइंड ऑफ मॉडर्न लुक एनी काइंड ऑफ इन्फ्यूज इन टू दैट फ्रीज विच ही ऑलवेज कोट्स इट्स नालंदा एंड तक्षशिला मैरीज द मॉर्डर्न हाई आर्ट लुक ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन एंड आई थिंक दिस स्लाइड इज जस्ट अ डेडिकेशन फॉर दैट this is his idea when we were presenting it for NAC. he said, let's, make, let's call it samvad. this is not a university. this is a land where our discourse, our dialectics also should take this term like a samvad. his commitment for the research, his innovation and his extension, i think Bataya, dusre, research four departments, as well as for our research scholars, in commitment हे इज़ ह्यूमैनिटेरियन सोल अगर ये संस्थान आस पास के गाँवों को गोद लेने से करोना में जो लोग फंसे थे आ, हमारे बच्चों से लेके गरीब लोगों के लिए जितना कुछ भी कर पाई है इफ़ एनी वन ऑफ अस ऑल्सो इज कैपेबल टू डू इट रिमेंबर द कॉज इज द लीडरशिप राइट वी गेट ही स्टैंड्स लाइक अ बीकन वू ऑलवेज गाइड्स अस एंड दीज आर सम ऑफ द मोमेंट्स वेर वी ऑल शुड फील प्राउड इन टू थाउजेंड एंड नाइन द मोमेंट वेर a kind of adjective which automatically goes before his name. आप भारत में कई universities में vice chancellor हैं but बहुत कम vice chancellor या शायद कोई भी vice chancellor पद्मश्री नहीं है At such young age, I think we should always remember that. and then there are a lot of moments where his presence, a giant among the giants kind of discourse. and i was uh, just looking for the images, and there were so many images, and i just wanted to pick up one or two. Look, look at the body images. look at the movement, which is not static. either he is walking alongside with, as if, you know, he's taking a legacy ahead. he is always, you know, kind of energetic enough to take that legacy ahead. and i think some of these pictures are going to tell us that. Uh, and no doubt, so far as publication is concerned, so far as his, his acumen is concerned, he is a renowned Tibetologist scholar across the globe. And his association with international scholars like Jay Garfield and all. I, I do remember a couple of days back when Garfield was here and he has written a book, and the book was just lying at the shelf of some of his books. And I asked, Sariye Kitab, and the first question uh, first you know, comment which he made was this book has a lot of issues and problems which i need to tell uh, garfield because he has not understood the crux of buddhism you know so that kind of uh, uh, and then he's a champion of indo tibetan tradition you can see in some of the images his love to celebrate Indian uh, occasions, either it is the birthday of Gandhiji or Dalai Lama's birthday or 15th August, 26th January, everywhere with the same kind of commitment, you feel a fusion of Indo-Tibetan relationship in his personality as well. And then, of course, a profound and a noble soul. You can see some of the glimpses which we have put. For me, everything is a symbol. I come from literature, so when I pick up the images, these are symbolic. So everything is a symbol. Look at that symbol which was picked up during the NAC where he was kind of lighting and putting a Kalash. And I think that was initiative of kalash Pandiji. And then some of the glimpses are from the great convocation which we had in 2018. He is a great visionary he has been awarded felicitated by great you know societies who have always seen and again look at the movement look at the movement of the pictures look at the depth of the pictures you will be capable to see the personality which is impossible to go unnoticed and then you have a man who himself is a cultural repertoire a very student-friendly and this is one of the occasions which he keeps talking to me whenever i sit with him he with you know very profound uh, sense of commitment and sense of achievement he talks about the 50 glorious years of this institution success story right uh, then another great accolade and a milestone a feather in our hat was vishak samman which if i'm not wrong was conferred upon the university by honorable prime minister in 2016 and uh, the great achievement which we all visualized in the form of all india university vice chancellors meet and i want to tell all of you just 7 days back we were at ministry and we were having one on one conversation with the ministers and they accepted a resolution which was taken in this meet that this institution now onwards very soon will have and will be declared as a center of universal ethics right and values there will be a particular center <laughs> like that which i am sure this is of course a vision of something and i'm sure will open up a lot of vistas of opportunities jobs and all that then one thing for which we love this campus is a very you know inexplicable very weird liking of him for the flowers for the nature you know you may not find sometime i laugh i say you will find a lot of books in this campus you will not find so many students so many teachers as there are varieties of flowers and trees and flora and fauna which is again his personal liking i'm sure then a kind of legacy which he is leaving behind our job is to now maintain that legacy to bring it forth right and then a vibrant and a caring soul uh, you can see some of the childlike moments in which he always participated, either it is yoga or anything. He very, very, and I had more uh, uh, images of his doing asanas and all, but I thought these two will be enough to just to give you an idea. And the recent accolade which we all received, I tell you guys, these days it's not easy to even acclaim A grade by the uh, uh, non traditional campuses like ours, where we we have our own problems. We have our own challenges. There is a university where there are more than 100 faculties serving only 300 or 400 or 500 students. It was not easy to convince NAC that we deserve that grade which should be given to all of us. So I think this, for this, we need to put our hands together for the kind of leadership and vision. And I, I, I tell you one thing here. आई ऑलवेज टैल यून आई हैव सैड इट ऑफन एवर एंड अगेन की सामतेन जी में एक क्वालिटी है विच समाइम वेन आई ज्वाइंड इनिशियली इरिटेटेड मी अलॉट एंड आई टेल यू ओपनली इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन नॉट सेटिस्फाई सामतेन जी विथ योर वर्क अगर आपने आज कुछ किया है हिल से ओके ठीक है आधे घंटे बाद इनके पास जाइए ही विल हैव टेन सजेशन्स and he will not be you know afraid to tell you he changes happen? because his mind works so fast he is so committed a lot of thoughts will come to his brain and he will say let's go to the next one so that was the outcome and i did not know how to express my feelings into the words i did not know how to tell him but definitely sir uh, if i have the liberty to call you gashila we are going to miss you Forever. This university is your home. Please keep coming back. Please give your guidance whenever it is needed. This is the end of the slide, and I'll just end with three of the memories which I want to share with all of you. I think, as a young faculty in this university, I was very fortunate enough to spend the highest amount of hours with Professor Something, Or maybe Mira. आ, गलत फहमी है बट कुछ गलत फहमी अगर आपको खुशी देती है तो अच्छी गलत फहमी है ये मैंने बहुत समय बिताया इनके साथ तीन चार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो शायद अननोटिस्ड चली जाती है मैं बहुत ज़्यादा स्परिचुअल नहीं हूं बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इंसान जो यहाँ पर बैठा है ना ये जादूगर है और मैं आपको इनका जादू बताता हूँ दो तीन जगह जब नैक यहाँ आई हुई थी तो जब नैक अपनी रिपोर्ट को टाइप कर रही थी तो एक इवेंट होता है जिसमें प्रोफेसर को वहां बैठ वाइस चांसलर को वहां बैठ के कोई प्रॉब्लम हो तो रिजॉल्व करनी होती है और जब नैक का एक्सपर्ट वो टाइप कर रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे जब शामतेन जी वहां बैठे थे तो अनिर्वाण दास जी मेरे पास थे वो बोले क्या बात है नैक वालों के हाथ क्यों कांप रहे हैं तो मैंने अपना सीना चौड़ा करके एक सेंटेंस बोला जो मुझे याद भी आज भी याद है मैंने कहा इन नैक वालों को हमारे संस्थान की नाक के पास बैठने से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है राइट right? तो ये हमारे संस्थान की नाक रही है हमारे संस्थान का ऑनर रहा है और मैं एक और इनका वो जादू आपको बताता हूं जब नैक के एक्सपर्ट यहां आए और ये मिनिस्ट्री में भी कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये सामतेन जी जो ये मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं ये जो कपड़ा कंधे पे डाल के ऐसे झटका मारेंगे तो अगर आपका एक दो ग्रेड तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है यू नो यू नो दैट दैट काइंड ऑफ पार्ट विच बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और मैं एक पर्सनल चीज आपको बताता हूं एक इंसान कितना कैरिंग हो सकता है उसके जादू का आपको आभास दूं। मैं एक बार घर पे था मेरी मदर की दोनों किडनी फेल हो गई थी शी ऑन डायलिसिस एंड ही ऑन द कॉल विद मी एंड ही कॉल्ड मी शी वॉज वेरी सीरियस आई डोंट नो हाउ ही केम टू नो ही कॉल्ड मी इट वॉज अर्ली मॉर्निंग एंड ही सैड महेश जी मदर कैसी है मैंने कहा सर ठीक तो नहीं है तो बोले आप अपनी मदर का नाम बताइए मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने सुना था कि कुछ कमाल की पूजा से भी किसी आदमी को ठीक किया जा सकता है और मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं ही जस्ट टुक द नेम एंड आई डोंट नो वॉट मैजिकल आवर्स माई मदर वॉज जस्ट लाइक अ न्यू हॉर्स एंड आई डिड नॉट नो हाउ डिड दैट हैपन राइट तो वो जादू और वो और इंसान में कहां से आता है वो जादू और ओरा आता है आपके कमिटमेंट में आप सबने बोला कि आप उस रूम में जाएंगे जहां सामतेन जी बैठते हैं कभी आपको कोई फाउल स्मेल या कभी आपको नेगेटिविटी नहीं महसूस होगी राइट right? मैं कई बार कोई काम नहीं था तो भी इनके पास जाके बैठा हूं बिकॉज आई आई नो दैट यू कैन गेट वाइब्स फ्रॉम हिम और एक चीज जो मैंने इनसे सीखी मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए वो ये है कि यू you नो know, कभी इंसान की फितरत होती कि यार किसी की बुराई करें किसी के बारे में कुछ बोलें However close I have been to him, आप किसी के बारे में एक शब्द बोलने लगी एन फेशल एक्सप्रेशन विल चेंज इो डोंट टॉक लाइक दिस राइट विच ओवर दर्न ना मैंने इतने सालों में इनको किसी इनको किन्नी की बुराई करते हुए सुना है ना ये किसी की बुराई आपके मुंह से सुन सकते हैं मुझे लगता है ये बताता है कि हमें कैसी लीडरशिप मिली है एंड इन दई थिंक दिस इज द राइट टाइम वेन वी ऑल कैन स्टैंड अप and give a standing ovation to a great visionary and a leader who is here among all of us. Ladies and gentlemen, let me give the opportunity to give a huge round of applause for the commitment and the hard work and the leadership which Professor Samten has showered upon all of us. Uh, there is a video, sir, which is sent by the BTI director. So thank you so much. Please be seated. Thank you so much today we all are present here to bid farewell to our beloved mentor and educational leader jayasee navang santhinath. he has shaped this central institute of higher education study in present form. his contribution in the field of education and literature is formally recognized when the president of india conferred the civilian title of paramusyee unto him in the year 2003. Deccella uh, had such an immense contribution that at many places this institute, Sarnath Institute, has become synonymous with his name. He is still healthy, very active, and filled with lot of enthusiasm to restore and enrich Nalanda tradition of Buddhism, a favorite subject on which he has been working. And as most of you know, that he uh, undertook a study.

From the Nalanda premises. Today, Geshe Santin La, he attains the age of 6 and 6, that is 66. It is an indication that he may be taking off uh, from administrative responsibility, with, but he has been entrusted with higher task in propagating and enriching Dharma. Naropa, you know, he was also vice chancellor. from Nalanda and he left Nalanda only in pursuit of uh, higher dharma and thereafter he composed great many texts and developed new yoga system. Narupa also guided hundreds of students and that was the last impetus to Buddhism in Asia because his students they went to Tibet, Nepal, all over the world Or uh, even Jawal, the Pankaratis, as you know, uh, you know, he was also disciple of Naropa. Similarly, today when we all are here, we must be uh, out to wish Gesela a wonderful journey on the path of Nalanda Masters. Gesela will continue to be our guide, guardian, and endearing teacher. May Goddess Tara bless you with best of health and well being. Thank you, Gesela. Okay. नमस्कार आज इस विदाई समारोह के अवसर पर हम सभी प्रोफेसर तवांग सैमटन के द्वारा किए गए कार्यों को उनके योगदान को यहाँ पर स्मरण करते हुए इस बात को उल्लिखित करना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में संस्थान ने उत्तर उत्तर प्रगति की नायक के एक्सपेक्टेशन में आपने अच्छा स्थान प्राप्त किया और देश विदेश में जो थर्ड पार्टी असेसमेंट्स के द्वारा संस्थान में किए गए कार्य थे उनके बारे में न केवल वांगमय को लाभ पहुंचा बल्कि तिब्बतन संस्थान से जुड़े हर व्यक्ति को हर शोधार्थी को आज भी लाभ मिला और आने वाले दिनों में भी उस कृति से लोगों को लाभ मिलेगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रोफेसर सैमटन का इस पारी की समाप्ति के बाद भी संस्थान को समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और जब भी हमको संस्थान को और तिब्बतन साहित्य को आवश्यकता होगी प्रोफेसर सैमटन अपनी सेवाएं उसी प्रकार देंगे जिस तरह से उन्होंने इस वृक्ष को अब तक सींचा है और इस वृक्ष को यहाँ तक लाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है नई पारी के लिए प्रोफेसर शांतन को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद इस संस्थान को हमेशा प्राप्त होता रहे इस शुभकामना के साथ पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और थैंक यू सर थैंक यू सो मच इसके बाद अब थोड़ा दूसरे प्रकार का मोड़ जो है आप कुछ दूसरे प्रकार का मोड़ आ रहा है तो अब मैं चल रहा अब अभिनंदन सुन लीजिए आप फेलिस्टेशन अभिनंदन स्वागत वंदन स्मरणांजलि शॉर्ट में कह रहा हूं और पुरुशार्थ, परम पुरुशार्थ, परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ श्री सम्मान इन सब की ओर अब क्रम से चल रहा हूं तो पहले डॉक्टर ए के राय आ जाइए सर सोवार ए के राय साहब स्मृत शीर्षक है आदरणीय मंच सबको प्रणाम टाइम ज्यादा हो गया है <laughs> वैसे तो स्वारीपा में आपके साथ हमने बहुत दिन बिताया है और बहुत कुछ आपसे सीखा है लेकिन चूंकि समय ज्यादा है इसलिए चार लाइन में पढ़ करके स्वारीपा परिवार की तरफ से <laughs> काल के कपाल पर लिखा काल के कपाल पर शिलापट्ट लिख दिया अपनी नैसर्गिकता से बहुत कुछ गढ़ दिया नित नव भाव लिया संवाद को आधार दिया मिली विरासत ज्ञान का सागर से भर दिया दर्शन की नींव पर विचार के प्रवाह से ललित कला स्वरिक्पा अध्यापन प्रशिक्षण को मुकाम दिया सबको कुछ न कुछ दिया जाते जाते सबको अपना लिया शब्द मौन भाव विभल लगता है जाते जाते हम सबको रुरा दिया परिवार डॉक्टर हिमांशु पांडे जी उपल सचिव मंच पर आए अंग्रेजी में प्रशस्ति पत्र हाँ संस्थान की ओर से

He has been an inspiring leader, a mentor to many, and a friend to all. Under his leadership, our university has flourished and we have achieved many significant milestones. His tireless effort and unwavering commitment to excellence have transformed our institution into one of the leading universities in the country. As a vice chancellor, he has always been a great advocate of academic freedom and diversity and has worked hard to ensure that our institute Remains a place where the people from all backgrounds can come together to learn, grow, and succeed. His passion for teaching and learning has been influential, and contribution to the academic community will be remembered for many years. We are confident that the legacy of Professor Noang Samten as a Vice Chancellor will sustain forever, and his contribution for our university will continue to save the future of education in the years to come. May Sri Ratna fulfill his wishes and you have a healthy life forever. Thank you so much, sir. Now I would like to request our star ma'am, to present a memento of appreciation to Professor Noong something, sir. Thank you. तिब्बती संस्थान की ओर से सम्मान प्रस्तुति समर्पण प्रोफेसर सामतेन महोदय के लिए प्रोफेसर धर्मजत चतुर्दी को मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान यह शब्द तो जैसा हमारे क्या बोलते हैं उसको लेटर पैड पर लिखा है तो वो तो चेंज होगा नहीं सर वो उसी रूप में लेटर पैड जो संस्थान का यहां बनाया गया है उस पर श्री मंजुश्रीय नमः तिब्बती संस्थानो नयन विकास परम पुरुषार्थ श्री ही सम्मान कुलपति प्रवर नवांग समतेन आचार्य ये सम्मान तिब्बती संस्थान के उन्नयन और विकास में परम पुरुषार्थ रूपी संपत्ति प्रॉपर्टी संपत्ति परम पुरुषार्थ ही प्रॉपर्टी है रूपक अलंकार है परम पुरुषार्थ ही श्री है वैभव है तो इस नाम का सम्मान आपको आपके कार्यों के साथ का आपकी कार्य विवेचना के साथ आपके श्लाघनीय योगदान की विवेचना के साथ इसे संस्कृत में प्रस्तुत किया जा रहा है यम नियम, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार बौद्ध योग साधना अनुष्ठान बौद्ध महाकरुणाशयन च नाम ये ष्ठीभक्ति का बहुवचन चलेगा जी सर इस पर इस पर ध्यान देना होगा ये प्राचीन परंपरा है जग जाहिर है शास्त्रों में एकदम सुकीर्तित है गर्जित है प्रतिष्ठित है अधिक क्या कहूं समदम सम दया तिथिक्षादि भी अद्भुत ति संयम सहिष्णुता बीजो दया नाम ये दूसरा हुआ उत्साह शक्ति मंत्र संपन्ना नाम ज्ञान विज्ञान नाम बुद्धि अंबुधि समुद्र ज्ञान विज्ञान नाम बुद्धि कौस्तुभा नाम कौस्तुभ मणि और बौद्ध हेत्व हेत्व्यात्म हेतु अध्यात्म संधि है, है बौद्ध हेत्वध्यात्म विद्या धौरे या प्राजन्माजित परिपाक विशेषेण प्राजन्माजिता परिमित पुण्य परिपाक विशेषेण बुद्धोपदेश भूमि सारनाथम अवाप्य महता मेधा बलेन च मध्यमा परीक्षा शास्त्री संस्कृत प्रशिक्षण समुत्तीशिक्षण तथा शोध सहायक सह संपादक संपादकादि पदम उन्नीस इसको संस्कृत में कहेंगे दयाशीत्युत रफ्तार इसमें नहीं डाला है हाँ क्योंकि लंबा हो तो जगह ज्यादा ले रहा था द्वय एकोन बिन सती सत ये द्वय छोटी संख्या का पहले ट्रांसलेशन 82 तो संस्कृत में छोटी संख्या को पहले बोलते हैं बड़ी को बाद में बोलते हैं अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा चलता है <laughs> तो चलिए द्वैसी एकोन विंशति शततम ख्रीष्टाब्दहा 1999 हिंदी में बोल दें स्पष्ट हो जाए नव नव्युतर <coughs> <coughs> नहीं सर हंसने की कोई बात नहीं खांसी तो सबको आती है काशी शेरिंग जी हाँ ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है नव नवत्युतर एकोन सततम ख्रीष्टाब्द पर्यंतम <coughs> पुनरुद्धार विभागे विभूषित बताम भोट बौद्धागम शास्त्रीय गंभीरा लोडन दिशा दक्षिण भारतस्य गदेन सरचे मठे गादेन। <coughs> ये ठीक है गदेन गदेन सरचे मठे सप्त नवत्युत्तर एकौन विन्शति 1997 सप्त नवत्युत्तर एकौन विन्शति सत्तमेक श्रीष्ठा इति महोपाधिम समर्जित वताम यायावरीय यावरी यायावरी हैं आप या चर एक संस्कृत में उपनिषद में वाक्य है चरण वई मधु जो एक आश्रम से एक शिक्षा संस्थान से दूसरे संस्थानों में चलते रहते हैं वो मधु प्राप्त करते हैं मैडम वही मधुरता प्राप्त करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं मतलब उनको बहुत वो होता है तो चरण ये संस्कृत उपनिषद का वाक्य है उपनिषद वेद का एक अंतिम भाग है संगीता ब्राह्मण अरण्य उपनिषद तो चरण वही मधु इति ब्रह्मचारी भिक्षुक वृत्तिया भ्रामम भ्रामम बौद्ध मठेश गौन गंभीर तत्व बिंदु गंगाया निम्जनोन्म्जन निमजनोन्म्जन राष्ट्रीय लब्ध समुज्वल नाम प्राच्य संस्कृत वा विदुषा पार्शे अधीत संस्कृत विद्या आचार्य समोन पोछे पूर्व निर्देशक सेवा निवृत्ते परम 2001 तमे तमें ख्रीष्टाब्दे लब्ध निदेशक पदानाम तथा 2010 टू थाउजेंडेन है दो हजार दस तमे ख्रिस्टाब्दे कुलपतित्व विभ्राणा नाम और कुलपति पदेन परीक्षा विभागीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम विकासे छात्र योग्यता परिवर्धनाय विता गुणकारी परिवर्तना नाम आपने अद्भुत गुणकारी परिवर्तन किए हैं एग्जामिनेशन में और क्या असाइनमेंट आदि लेखन में खूब छात्रों के पसीने बहा दिए जो है सर खूब पसीने बहाए लड़के खूब परेशान हुए लाइब्रेरी से किताब निकाले गुरु जी के पास आए असाइनमेंट क्या होता है कहां से आ गया है <coughs> पहले जबकि पता नहीं था ये ये सत्य है चलिए तो हाँ <coughs> कक्षागत लेखन का कुल पदे विहिता और लेखन कला कौशला या लेख निबंध लेखनम मतलब सब आ गया इसमें। निर्धारित वताम सप्ताहांते शनिवार क्या प्रेजेंटेशन सप्ताहांते विषय प्रस्तुतिकरणम हाँ मैडम हर उसमें लेक्चर और शास्त्रार्थ सैटरडे को आप क्लास में जाएंगी तो बड़ा मनोरंजन सप्ताहांते विषय प्रस्तुतिकरणम कक्षासु विनियोजित बताम कक्षागत ये क्लास लेक्चर ये नया आया कक्षा और हम लोगों ने तीन तीन एक एक कक्षा में तीन तीन लेक्चर कराए उसमें जो है कक्ष दूसरी यूनिवर्सिटी के विद्वान आते थे कक्षागत विशेष कक्षागत विशेष व्याख्यानम तत्र, सम्यक रूपेण गुरु शिष्य दीक्षा दूसरा आ गया देखिए शिष्य दीक्षा नवीन शैक्षणिक योजना शिल्पेन चात्र शैक्षणिक शोध स्तर समुन्नय सोवारिपा विभाग विकासाय स्नातकोत्तर एम डी पी एच डी नवोन मेष <laughs> साली प्रतिभाया रमणीय सुविशाल चिकित्सा भवनम निज गहन पिश्रमेण सर्व पुरस्ता निर्मापित वताम भूयो नवदेली गल थर्टी नाइन पदानी पदा वताम पुस्तकालय पृष्ठभागे संख्या संस्थान भूमि क्रीतवता संभोट नालंदा भवन शिक्षा छात्रावास आदि अनेक नवीन शांत रक्षित ग्रंथालयम प्राच्य तिब्बती कला सिल्प माध्यमेन सुसज्जित वताम एक नया काम हुआ है हाँ नईकशो नियुक्ति साक्षात्कार परीक्षा योजनाया सुयोग्य शिक्षक सुयोग्य शिक्षक कर्मचारी वृंदम नियोजित वताम। यद, यत यथा प्राप्तव्यम याप्तव्यम तत्म तत्तस्म यथा कालम प्रदत्तवताम यत यत यदा जो जो जिसको जब पाना है वो वो उसको उस समय क्या है प्रदान किया गया ये भाव यहां व्यक्त हो रहा है लेट नहीं किया आपने एकदम ईमानदारी के साथ उस कार्य का क्या है निर्वाह किया और अपने नेतृत्व का वर्चस्व भी बनाए रखा ये तो बिल्कुल पक्का है कि साहब नेतृत्व वर्चस्व के साथ समझौता संभव है ही नहीं आचार्य जी के क्या है जीवन आ, जीवन में और बहुत अच्छे ढंग से सम्मान स्वाभिमान ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में स्वाभिमान दिया चला गया गया जो है खिसक तो फिर क्या मतलब है जो है जीवन का तो हाँ वो तो फिर बेकार है समझिए रगड़ा झगड़ा है सब शिक्षा संस्थाने भाई, 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 आ, मनागपी वैयक्तिक पदोन्नति तत्र तिब्बती तिब्बती भाषा साहित्य तिब्बती विभागेशु स्नातकोत्तराध्ययन प्रारब्धवता वैयक्तिक पदोन्नतौ कैरियर एडवांसमेंट स्कीम वैयक्ति पदोन्नतौ मनागपृे नानुपश्यता एक क्षण भी पीछे नहीं देख रहे हैं और यहां कालम उदार चेत शोध विभाग शिक्षण पद पदव्यवस्था पदव्यवस्थावता पद टीचिंग के बराबर रिसर्च को भी आपने खड़ा कर दिया कोई कमी नहीं इसके बाद माध्यमिक दर्श ने निजात भूत वैदुष्यण भारतीय विदेशीय शिक्षा संस्थान बहुशा अनेक यात्रा भी प्रदत्त बौद्ध धर्म दर्शन दीक्षा शिक्षा नाम संस्थानीय गौरव संस्थानीय गौरव ध्वजम विदेशे स्वपी समुच्छ्रयताम अतएव दो तमे ख्रीष्टाब्दे भारतीय महामहिम राष्ट्रपति कर्कमलाभ्याम पद्मश्री उत्कृष्ट सम्मानोपाधिमचिता दो हजार चौ चौदह तमें वर्षे रशिया रशिया अकादमी तो मान मानदोपाधि विभूषिता दो हजार सोलह तमें ख्रीष्टाब्दे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर निज विशेषम सम्मा, सशेष सम, समुपाजता दक्षिण भारतीय आदि प्रदेशीय विश्वविद्यालय स्नातकान निजाद भूत निजाद भूतानुभवेन ज्ञान विज्ञान मकरंदेन उपकृतवता ज्ञान विज्ञान मकरंद उपकृतवता न कव तिब्बती भाषायाम न कव तिब्बती भाषायाम् एव अपितु संस्कृत हिंदी अंग्रेजी स्वपि अप्रतिहत गतिनाम भ्रामम भ्रामम मनागपि शैथिल्यम आलस्यम न पूर्ण कालिस्तरेण भोट संस्थान विका च समर्पित सर्वस्वानाम सब कुछ झोंक दिया उसी में जो है पूरा का पूरा आद्यंत अपना संस्थान के विकास में सुबह से लेके शाम तक और कोई दूसरा काम नहीं पूरा जीवन पूर्णकालिक स्तर पर इतने एक वर्ष जो है कहना चाहिए तेईस वर्ष जब आप पदेन कहें अगर प्रशासनिक स्तर पर 2001 से लेकर 2023 चल रहा है तो पूरा आपने उसमें समर्पित किया इसमें कोई दो नहीं है संस्थान सेवा पर पर्याय तेन तेजो बद विधाय भ्रामम भ्रामम पुस्तरे भोट संस्थान से विकास समर्पित सर्वस्वानाम निजे अविश्रांत श्रमेण ऊर्जस्वल प्रभावातिशयन च प्रायण संस्थान सेवया एक चुरीशत फोर्टी वन एक चुरीशत वर्षाणी कुलपतिवादी च तोशति वर्षा संस्थान सेवा पर पर्यायत्वेन तेजो विशेषम आदान नाम बिहत सहस्राधिक उपवेशन संस्थानों भूत क्रांतकारी क्रांतकारी पुरुषार्थेन आधुनिक संसाधन वस्तु व्यवस्थाया संस्थान बाटि ये बाटिका है संस्थान संस्थान बाटि का नवआचार नवाचारोत्थान दिशा परम रमणीया प्रसावता न दैनम ना पलायन ना दीनता ना गिड़गड़ाना ना भागना ये तो कभी जीवन में क्या है सीखा ही नहीं ये नहीं कि ए, आ, काम हो गया भाग लिए चलो भाई अपना काम हो गया अपना वक्तव्य हो गया दूसरों से क्या मतलब है ए ना ये हल्कापन नहीं छोटापन नहीं हाँ छुद्रता नहीं तुच्छता नहीं स्टैंडर्ड रहा सबके प्रति समर्पण रहा न दैन्यम न पलायनम नवा कोपी प्रमादा इति धिया इति धिया वो नैव निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा इति नित्यापि यथा शक्यम विहित विविध शिक्षोद्यमानम् शिक्षोद्यमानम् नौ वादनता नौ बजे से लेकर सप्तवादनम् सायं शाम के सात बज गए चाहे आठ बज जाए चाहे नौ बज जाए ये कोई और संस्था नहीं कि पाँच बजे चपरासी आए और ताला मार दिए पूरे उसमें चाबी बन जमा कर दिए यहाँ ऐसा नहीं होता है संस्थान में यहाँ तो मैडम कभी ग्यारह भी बजते हैं घर पहुँचने में आपसे सही बात आप देखेंगे अभी आगे जा के हाँ खुद देख लेंगे आप खुद आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ क्या है थोड़ा समय लगेगा थोड़ा सा <laughs> नौवादन सप्तवादनम ततोपि अधिकम उससे भी अधिक का निज कार्यालय सेवया अपने कार्यालय जो बीसी ऑफिस है निज कार्यालय निज कार्यालय सेवया अनावर्तम प्रदत्त ताती सेवा नाम विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शैक्षिक सामाजिक संस्थान संगठन समिति प्रमुखाध्यक्ष अध्यक्ष निर्वूढ़ता हेमसेर कालेज यू एस ए तस्माया विश्ववद्यालय ऑस्ट्रेलिया एमर्स कॉलेज यूएसए स्मिथ कॉलेज यूएसए आईएचएचटीएस यू इति विदेशीय आई विदेशी विजिटिंग प्रोफेसर सम्मानितताचार्य बिना विशिष्ट व्याख्यानानि प्रदत्त इन कॉलेजों में आपने व्याख्यान दिए हैं आचार्य जी ने कुलपति महोदय ने हमारे एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विशिष्टाध्यक्षीय अध्यक्षीय वक्तव्य दिए हैं विशिष्टाध्यक्षीय व्याख्यान प्रदान विद्वजनान संतर्पित बताम पुनश्च विदेशीय छात्रांश संस्थानीय छात्र चतुष्ट चार आपने शोध छात्रों को यहाँ पीएचडी का शोध निर्देशन कार्य भी किया है वो भी इसका उसका भी इसमें उल्लेख है शोध आ, शोध छा विजिटिंग प्रोफेसर सम्मानित सम्मानितचार्यवे विशिष्ट व्याख्यान संतुलता विदेशीय छात्र शिक्षा संस्थानीय छात्र चतुष्ट शोध निर्देशकत्व अनुकंपित बताम कोरिया ताइवान ऑस्ट्रिया, यूएसए, जर्मनी भूटानादी देश सभ्यान अनुरंजित व्याख्यान पुनश्च ओसेन ऑफ रिजनिंग आचार्य चौंखा टीकाया आंग्ल भाषा भाषावाद कैटलाक ऑफ रेयर थंका ओसेन ऑफ रिजनिंग सूची इत्यादि विशिष्ट ग्रंथ विशिष्टग्रंथ राम रत्नावली अविधमथस प्रभृति पूर्वकम संपादित वताम बौद्ध विज्ञान समुच्चय ग्रंथ समुचय शोधग्रंथसंपादने होरात्र पर विशेष मनोयोग कदाचित अष्टवादन यावत रात्रु विहित अद्भुत संय, अद्भुत संयमेन प्रदत्त योगदान आह, दो हजार इसमें आ गए जल्दी पास में आ गए 2021 हजार इक्कीस तमे ख्रीस्टाब्दे विनाशकारी कोरोना आक्रमण निज संस्थाने विहित चिकित्सा व्यवस्थाया अनेक रोग जन सपरियाम सक्रिय सहाय आचरित वाम पुनश दो हजार बाईस तमे ख्रीस्टाब्दे राष्ट्रीय सेवा राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषदा एन आगमने विहित विशिष्ट परिश्रमेण संस्थान आय प्रथम श्रेणीम प्रथम श्रेणीम प्रदापित वताम भावयित्री कारयित्री दो बुद्धियाँ होती हैं एक भावयित्री होती है एक कारयित्री होती, होती बड़ी मजेदार दोनों होती हैं दोनों का क्षेत्र बड़ा विशाल है राजशेखर ने काब्यमी मांसा में इसका उल्लेख किया बड़ी व्याख्या है चलिए भावयित्री काय कारयित्री प्रतिभा दर्शिताद्भुत कौशला नाम इन दोनों के माध्यम से आपने अद्भुत कौशलों का क्या है शिक्षा क्षेत्र में प्रदर्शन किया है कस्तावत आइए आप, आप आप बताओ कौन अपने प्रिय व्यक्ति को बोलिए हृदय से आप लोग कौन अपने प्रिय व्यक्ति को हृदय से छोड़ना पसंद करेगा कौन ऐसा होगा कौन ऐसा होगा जो अपने प्रिय व्यक्ति को साथ में रहते हुए क्या छोड़ देगा छोड़ देगा शब्द का क्या अर्थ है अर्थात हम उनसे नहीं मिलेंगे हमें उनका दर्शन नहीं मिलेगा हम उन्हें नहीं देखना पसंद करेंगे इसी बात को इसी बात को कहा जा रहा है कस्तावत कस्तावत प्रियजन विशेषम कौन ऐसा होगा जो अपने प्रियजन विशेष को क्या है का परित्याग कर देगा मुहावरा है कस्तावत प्रियजन विशेषम परित्यजेत इति धिया समस्त संस्थान परिजन ही आहर निशम निज हृदय सारे संस्थान के लोग अपने हृदय में हमेशा के लिए सभी लोग रिटायर्ड होंगे ना एक दिन हाँ ऐसा थोड़ी कोई बचेगा यहाँ पर या कोई अभी नहीं हो रहा तो सोचे रहे भाई अभी मैं तो विद्यमान हूँ क्या तू विद्यमान एक दिन तो हमको भी जाना है आपको भी सबको होना एक दिन जो है उसमें कोई खास बात नहीं है ये तो क्षण आते रहते हैं निज हृदय निज हृदय चा, एक क्षणम अपी एक क्षणम अपी दूरे विधातुम तुम एक मिनट भी इनको जो है हम लोग एक क्षण भी हृदय से तो दूर नहीं कर सकते शरीर से भले ही दूर रहें कहीं मान लीजिए कहीं यात्रा पर या कहीं उस पर या उसकी लेकिन सर आपको हम लोग हमेशा याद करेंगे और आपके योगदान को अपने दिल में सजो करके क्या है रखेंगे हम संस्थान परिवार के लोग अधिकांश लोग हाँ और बेहद विशेष परिश्रमेण संस्थान आए आ, आ, एक मपी दूर है असा विशेष लोकप्रियता विशेष लोकप्रियता साधारण समाजे स्वपी देखिए आप विशेष लोकप्रियता साधारण समाजे स्वपी अरे सुनिए जंपा समतेन जी क्या क्या देखो तो उछक रहे हो आप आ, क्या बात है रिटायरमेंट का कोई असर ही नहीं लग रहा है हमको तो, तो, तो। अब आप वो रहे हैं तो हम भी मनोविनोद भाषा से तो कर ही सकते हैं ना चलिए स्वपी स्वी नाम निजोदार चरितेन जने जने सुप्रतिष्ठिता मैतो तो मैं नाम परंपरागत शास्त्र शेमूषिकाण परम्परागत शास्त्र शैमुषिकाणमुषिकाणाम परम नाम अब नाम आया है मैडम इतने के बाद हाँ त्र भवताम केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय कुलपति प्रवराचार्य पद्मश्री गेसे नवांग सम महो महोदयाना चिरकालम लब्ध निर्देशेन चिरकालम लब्ध निर्देशेन निर्देशन अद्भुत वात्सल्यन अश्रु विमोचन पूर्वकम अश्रु विमोचन पूर्वकम सुदीर्घ सुदी सुदीर्घ सेवा संपूर्ति बेलायाम सुदीर्घ सुनिए जंपा जी सुदीर्घ सेवा संपूर्ति बेलायाम अद्य अद्य क्या है अद्य मनागपी थोड़ा सा भी तुम असामर्थे ना छोड़ने का सामर्थ्य नहीं है थोड़ा भी छोड़ने का सामर्थ्य नहीं है संबंध है संबंध हो गए हैं वो सर अकाट्य हैं उनको कोई नहीं मिटा सकता है किसी क्या दम है को कोई उसको मिटा दे ना पदेन मिटा सकता है ना प्रभाव से मिटा सकता है न पैसे के बल पर मिटा सकता है वो स्वाभाविक हैं प्रकृतियां हैं यादृक्षिक हैं वो <laughs> असामर्थे ना बारह चार दो हजार तेईस बारह चार दो हजार तेईस तमे दिनांक विहितोत्कृष्ट संस्थानीय सेवात्वेन संस्कृत की कुछ प्रकृति है इस टाइप की।, की लंबा वाक्य होता है उसमें समेटते हैं अगर हिंदी में करते तो ये खा जाता दो पेज यही चला जाता ढाई पेज चला जाता है हिंदी इतना खींच ले जाती हाँ भवदीय विहितोत्कृष्ट संस्थानीय सेवात्वेन अभिनव विकास पर आप अभिनव विकास के अपर पर्याय हैं इस संस्थान की हमारे दृष्टि से क्योंकि कई अध्याय जुड़ चुके हैं अब केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानम सगंधाक्षत माल्यन गंध चावल और मालक ये माल्य तो वह है औपचारिकता है हृदय में सगंधाक्षत माल्यन तत्र भवद्य आचार्य नवांग समाभागे संस्थानोन विश पर मान बुद्ध श्री श्री सॉरी श्री श्री कार्थ संपत्ति लक्ष्मी आप जानते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है कौन श्री श्रेयति हरिम मैं बता दूंगा आपको श्रेयति हरिम इति। श्री जो हरि का आश्रय लेती है उसको लक्ष्मी कहते हैं विष्णु भगवान पत्नी जानते ही हैं आप क्षीर सागर इति इति सम्मानम सबहुमानम तिकेंद्रीय उचित तिवृत्ती शिक्षा संस्थानम इदम समर्पयति तराम स्वागताभिन बंदन पूर्वकम पद्यत्रयेण तीन पद्य आ रहे हैं पद्यत्रेण त्रिसरण गमन न बुद्धम शरणम ग्छा धम्मम शरण हाँ संगम तीन एक पद में एक शरण गमन है दूसरे में दूसरा अभी व्यंजक है उसका ये व्यव्यंग व्यंजक भाव साहित्य में होता है अभिव्यंजकन तत्र भवदीय निर्विघ्न भवदीय निर्विघ्न सुकीर्तित जीवने मांगल्य मंगल्यसुभाषय कामना मंगल्यसुभाषय कामना पी का कल्याण दृष्टि लोक कल्याण दृष्टि शतायुर्भव लोक कल्याण दृष्टिर लोक कल्याण दृष्टि सतायुर्भवेद भिक्षु यरण भातु योगी महान भिक्षुवरियरण भातु योगी महान आगत वह अरे आगत वह गुत्र चित किम कहीं आप चले गए कहीं मैं चला गया इससे क्या लेना देना है क्या असर पड़ता है आप जाते हो कहीं हम भी जाते हो वो आना जाना तो जो है क्या है इस शहर से उस शहर में यहाँ से वहाँ ये तो लगा रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगतो वागतः कुत्र चित्तेनकिम् आगतो वागतः कुत्र चित्तेनकिम् स्वानु कम्पां बिधद् विदध्याच भोटालय स्वानु कम्पां बिधद् विदध्याच भोटालय फिर भी आप इस भोट ग्रह पर आप अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा ये आपसे हमारा निवेदन है कहीं भी जाएं रहें आपकी सतायु की कामना करते हैं और आप इसी प्रकार से जो है क्या है दिव्य प्रभा मंडल विभाषित हैं इसी प्रकार से आप सुखद जीवन आप जो है यापन करें विश्व विख्यात कीर्ति विश्व विश्व विख्यात कीर्ति महात्मा श्रमी त्यज्यते ते नई व मान्यो भवान हृदय से आपको नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग आपको आप विश्वविख्यात कीर्ति हैं और श्रम करने वाले हम सभी लोग आपको माननीय जी अपने हृदय से क्या है बिल्कुल बाहर नहीं करते हैं अरे विश्व विख्यात कीर्तिर महात्मा श्रमी त्यज्य वो चित्ते न मान्यो भवान पालितान वर्धितान पा, पाला है आपने क्यों नहीं पाला है पाला शब्द का क्या अर्थ है पालन तो किया है ना जो छोटे लोग थे जो शोध छात्र थे जो स्टूडेंट थे आप किसी के स्टूडेंट हैं तो मानते ही होंगे ना कि उस गुरु ने क्या है कुछ हमें शिक्षा दी है या पिताजी ने कुछ शिक्षा दी है इतना तो मानते हैं तो जिनको आपने क्या है सम, जिनका संपोषण किया जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया आपने जिन विद्वानों को आशीर्वाद दिया आपने उनको आप भी याद करें ये ये विशेष प्रार्थना है हाँ, आप भी उनकी इनकी याद करें दोनों तरफ से होता है सर है कि नहीं हाँ? तो पालीतान हाँ आप भी याद करें आप भी संवाद करें उनका हाल चाल लें और उनको दिशा निर्देश भी क्या है समय समय पर आने वाली परिस्थिति में या किसी संकट की घड़ी में आप जो है अपना निर्देश उनको भी प्रदान करते रहे ये भी प्रार्थना से पालितान पाली पालितान तान ना सदा संस्मरित निर्देशित समागत्य काले गुरु हे गुरु गुरु जी कभी ना कभी समय पर आप जरूर यहाँ पधारें ऐसा नहीं कि आप नाराज हो जाएं हम लोगों से और फिर दूर रहें स्वाभिमान के चलते आप ना खुद आप आइए क्योंकि आपकी संस्था है आपके लोग हैं आपका परिवार है यहाँ कोई संकोच की बात नहीं बस एक सर शिखरनी छंद और बचा है निकाल दे वो सत्रह अक्षर का है गायक है लेटर उसमें सत्रह है छंद तो जल्दी होता है ना गद्दी की अपेक्षा <laughs> लभनताम सौख्यानी लभन्ताम सौख्यान्य प्रमित गुण सारा विनयी न लभनताम सौख्यान्य प्रमित गुण प्रमितगुणसारा विनयिना क्षमतास्र क्षमता विश्रधम निज कठिन स्वतक स्वतपसा रमता शास्त्रु रमता शास्त्रु प्रतिदिन ममी धर्म रसिता प्रतिदिन ममी धर्म रसिता प्रथम तम आशाशु सभी दिशाओं में आप फेमस हो यह है इसका अर्थ आशा शब्द का जानते हैं दिशा भी होता है क्या करेंगे आप अमर कोश में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना हरि शब्द का विष्णु भी हरि का बंदर भी है जरूर पता होगा जरूर थोड़ा बहुत अब दस अर्थ हैं कम से कम हाँ गाय गाय के लिए कौन शब्द है गो उसके दस अर्थ हैं क्या करेंगे आप शास्त्रों में प्रयुक्त थे हाँ, लभन ताम आ, प्रथन ताम, आप दसों दिशाओं में साफ प्रसिद्ध हो और धर्म रचित हो शास्त्रों में आप इसी प्रकार से रमण करें और अपने कठिन से कठिन कार्यों में अपने तप के माध्यम से आप जो है क्या है सफलता प्राप्त करें ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं डॉक्टर <प्राणगा> हिमांशु पांडे संयोजक आयोजक समिति उपकुल सचिव केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थानम सुनी डॉक्टर सुनीता चंद्रा कुलसचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती एक केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानम और मेरा भी नाम लिखा है क्या करूँ हाँ प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी अध्यक्ष आयोग समिति शब्द विद्या संकाय प्रमुख के उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानम सारनाथा वाराणसी दिनांक बारह चार दो हज़ार तेईस లై అబి సరే గీ హఆ కష్కో इसके बाद इसी पुरस्कार का ये इसको क्या कहते हैं मोमेंटो है हाँ यह है तो इसमें वो जो सम्मान पत्र है उसमें जो गुणों का वर्णन है आपके कार्यों का वर्णन है जो आपने कार्य संपन्न कराए हैं उनका वर्णन है और हमारी भी कुछ डिमांड है उसमें हैं भाई हम भी कुछ चाहेंगे आपसे निश्चित रूप से चाहेंगे वैसा थोड़ी है कि छोड़ देंगे आ, आप हम, हम हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम आपसे भी नेगी जी क्या है कुछ तो चाहेंगे आशा करेंगे बिल्कुल एक तरफा तो होता नहीं है व्यवहार तो ये तिब्बती संस्थानों नयन तिब्बती संस्थानों नयन विकास परम पुरुषार्थी पुरुषार्थ श्री सम्माना वह अभिनंदन पत्र है ये अवार्ड है हाँ सर अब हम लोग राजभाषा राजभाषा समिति की ओर से अनुराग डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी सहायक आचार्य हिंदी अंग वस्त्र के द्वारा आचार्य कुलपति महोदय का सम्मान करेंगे अब मैं सुचिता शर्मा जी फाइन आर्ट की हैं तो फाइन आर्ट के पास तो संपत्ति है जानते हैं सामग्री देने में उपायन की कोई कमी नहीं है वो तो खुद पैदा करती हैं खुद बना लेती हैं उसमें थंका थंका तो आप जो है सम्मान आपको प्रदान करेंगी डॉक्टर सुचिता शर्मा फाइन आर्ट सहायक आचार्य समय काफ़ी हो गया हमसे पहले लोगों ने कह दिया था हाँ बिल्कुल सर हम हमारे हम तो जहाँ भी जाते हैं तो पिटते हैं इसमें पिटने शब्द का अर्थ थे नहीं कि कोई डंडा मारता है हाँ ऐसा अर्थ मत लगा लीजिएगा अब, अब वो व्यंजना लगाई जाती है ना अविधा में नहीं जाते हैं हम लोग व्यंजना पर चलते हैं तो वहाँ मतलब है कि आप समय ज़्यादा लेंगे तो समय लगा कुछ लोगों ने कहा भी कि बहुत समय हो रहा है आप कम करिए वक्ताओं को ये करिए वो करिए लेकिन जो होना होता है सो वो होता है अच्छे रूप में कार्यक्रम संपन्न होता है इससे हमारा तात्पर्य है तो अब मैं मंच की ओर बढ़ता हूँ तो हमारी महोदया सुनीता चंद्रा जी कुलसचिव आपने सुना देखा कार्यक्रम चला तो आप हमारे आचार्य माननीय कुलपति जी के सम्मान में अपना वक्तव्य प्रदान करें और इस सभा की शोभा को बढ़ाए आइए सुनीता चंद्रा जी बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी इतने सम्मान से मेरा इंट्रोडक्शन कराने के लिए आ, बहुत कुछ बोला जा चुका है आ, परम श्रद्धे हमारे कुलपति प्रोफेसर गेशे नवांग समतीन जी आ, प्र, आ, हमारे प्रोफेसर नेगी साहब बाहर से अतिथिगण आए हुए अतिथिगण जिसमें प्रोफेसर मुकुल राज मेहता जी व अन्य अतिथिगण रेस्पेक्टेड डीन्स हेड्स ऑफ द एकेडमिक डिपार्टमेंट्स फैकल्टी मेम्बर्स माय टीम माय फेलो मेम्बर्स एंड माय नॉन टीचिंग स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स सो मच ऑफ टाइम हैज़ गॉन पास्ट होल हॉल इज लोडेड विथ इमोशंस Uh, हमारे पंडित जी ने हमारे uh, चतुर्वेदी जी ने पूरे हॉल को बहुत चार्ज कर रखा है पिछले पाँच घंटे से सो वी आर सो थैंकफुल टू हिम फॉर क्रिएटिंग अ मेमरी विच आई थिंक वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ विल हैव दिस मेमोरी ऑफ हैविंग अ फेयरवेल ऑफ देयर बिलवर्ड वाइस चांसलर फॉर फाइव आवर्स ऑल ऑफ देम सिटिंग विद हार्ट्स फुल ऑफ लव टुडे राइट फ्रॉम द मॉर्निंग वन कोट Uh, that my f a couple of days back, my friend sent me. I am reminded of it again and again. T it is evening. It says like this A moment can make a day, a day can change a life, and one life can transform the world. Professor Samten, sir, our very revered and respected Vice Chancellor, is one such person who has transformed this August institution into an academic center for higher learning. The other day, I was attending the Shastra Sir, and very kindly Sir was explaining about this Shastra. In spite of being new to this style of learning, I could easily understand the knowledge, the sharpness, the zeal, the enthusiasm of the young learners. It was amazing, and I could, I could see that how the Vice Chancellor has shaped these intellectuals and the young citizens who will guide the path of humanities in the days to come sir, after meeting you, i realize that few true academicians are still left in academia who are devoid of any pomp and show and are true scholars. further, a person can be learned, but whether he is a good human being, i can tell that you are, sir, not only an enlightened person, but also an exemplary, exemplary human being. The way you facilitated my journey to this August institution was like opening the doors of welcome. I could never forget the, what I felt, how I joined this institution when you gave a warm welcome and support. Separation is definitely painful and is inevitable, but I have learned that every day brings challenges and new directions. I'm pretty sure that you will find that new direction and will definitely carve out goals for the new beginning this institution is your home and it will always be looking up for your guidance and support sir and your ashirvad will always be required not only by the students who will come generation after generation, generation but the legacy of your learnings and your, the torch that you have given to the faculty here will be passed on i'm so thankful to uh, dr mahesh who in a very short time could prepare that slide that without that slide i think the feelings what we have today for you would not have been transferred to you so i'm thankful to him and i'm thankful to my team also who had done all this himanshu ji and pramod and above all i'm very thankful from this place i want to thank chaturvedi ji who has taken so much of pain for every small thing that he has put in for this program सर एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ अ मेमरी इंस्टीट्यूशन्स आर लिविंग बींग्स सर संस्कृत के श्लोकों में आप अच्छे से इसको बता पाएंगे जैसे हर इंस्टीट्यूशन हर इंसान का भाग्य है ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन की एक मेमरी है और उसका भी एक भाग्य सौभाग्य है इंस्टीट्यूशन्स आर लिविंग बींग्स फॉर परचुअलिटी एंड यू सर हैव मेड अ सिग्निफिकेंट मार्क and space with your kind deeds and selfless devotion to this institutional memory i on behalf of the institution will Like to thank you for all your good works and also to apologize in case we failed to live up to your expectations. Hope you will be bestowed with good health and wonderful future ahead, sir. Thank you for everything, small every small thing that you have done for the institution, sir. Thank you. <laughs> सुना आपने भी ये संभवतः बहुत जल्दी से पहला ही कार्यक्रम आपने ये जो है देखा और यहाँ का वातावरण वो सब बड़े नियम से समय से व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से यहाँ इसी प्रकार से कार्यक्रम क्या है आयोजित होते हैं समय सीमा नहीं देखी जाती है बस इतना दोष है हम लोगों का एक गलती बस हम लोगों से होती है मैडम कि हम लोग लेट कर देते हैं तो उस पर द, उस पर कभी दंडित भी हो सकते हैं हाँ ये होगा कभी ना कभी लगता है चलिए तो मैंने मनोविनोद के लिए कहा ये सब अब मैं आचार्य हमारे वज्रयान दर्शन के विद्वान यंग देखिए क्या उमंग सर हाँ बहुत अच्छे नेगी जी और नेगी जी सरल है एकदम आप समझ लीजिए सज्जन साधु और भावुक भी है बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं हम इनके स्वभाव को जानते हैं और नाराज भी हो जाते हैं प्रसन्न भी हो जाते हैं हाँ हाँ ये ये भी है बहुत हल्के में अच्छे हैं सबके लोकप्रिय हैं सबके साथ हैं और सबका साथ देते हैं और परिश्रमी हो अपने विषय के विद्वान तो मैं आ, जो है हेटूएम अध्यात्म विद्या संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर बांगशुक दुर्जे नेगी जी से निवेदन करता हूँ बिल्कुल सब प्रश्रय निवेदन करता हूँ कि आप हमारे छात्रों को हम लोगों को कुछ ऐसा उद्बोधन प्रदान करें जिससे जो है संस्थान और आगे बढ़े आपके प्रयत्न से उद्यम से परम शरद भिक्षु संघ माननीय कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर के सी नव तथा हमारे इस संस्थान परिवार में नवनियुक्त मैडम कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी तथा बाहर से आए प्रोफेसर उमा राज मेहता जी प्रोफेसर सुधाकर जी गुरुवर बाबूराम त्रिपाठी जी तथा डिप्टी रजिस्ट्रार हिमांशु जी तथा इस संस्थान के वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सभी आचार्यगण कर्मचारीगण मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है इसी परिवर्तन के नियम के चलते व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है विलीन होता है और साथ ही साथ प्रतीत्य सम उत्पाद या सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार सुख दुख आशा निराशा ये सभी जो हैं एक प्रकार से पूरक होती है एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है मैं समझता हूँ यही तथागत बुद्ध के वाणी का सार है अनिच्चय और प्रतीित जब मैं देखता हूँ सुख और दुख आशा और निराशा मिलन और वियोग ये सब एक प्रकार से पूरक हैं लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं जब मिलन होती है तो सुख की अनुभूति होती है और जब वियोग होता है तो दिल जो है भारी होती है एक प्रकार से भारीपन का बहुत होता है मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ 2005 में मैं बीमार हुआ था और मुझे रामकृष्ण मिशन में एडमिट होना पड़ा सत्रह दिन मैं एडमिट था और जब मैं स्वस्थ हो गया सत्रह दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ यद्यपि मैं निरोग होकर के स्वस्थ हो के मैं बाहर निकल रहा था इसके उपरांत भी उस समय आज भी समरन है मुझे डॉक्टरों ने नर्सों ने और जिस आ, रूम में मेरा मैं रहता था सफाई कर्मचारी और जो भोजन की व्यवस्था कर रहे थे उन लोगों को का सने जो रहा उससे जो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर भी मैं बहुत भारीपन का मैं अनुभव कर रहा था तो यहाँ तो मैं प्रोफेसर समरीन जी के साथ लगभग 40 बयालीस साल का संबंध रहा है मेरा मैं जब 1977 में यहाँ संस्थान में प्रवेश लिया था उस समय जो है प्रोफेसर समतैन जी शास्त्रीय प्रथम वर्ष में थे और एक प्रकार से मैं छात्रावास के प्रथम तला का 109 कमरे में था और सम जी ऊपर दूसरे मंजिल में 209 में थे छात्र अवस्था में भी हमने साथ समय गुजारा है और उसके बाद 2000 से तो आप हमारे संस्थान के प्रमुख रहे हैं तो आपके साथ इस अतिशा हॉल में भी लगभग सैकड़ों बार कॉन्वकेशन है सेमिनार्स हैं और अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हुई हैं हमने आपसे सुना है हमने सुनाया है तो एक प्रकार से बहुत प्रागढ़ संबंध रहा है इसके चलते जब विदाई का समय जैसा आता है तो निश्चित रूप से मन में थोड़ा बारीपन सा मैं अनुभव कर रहा हूँ लेकिन ये तो एक प्रकार से प्रकृति का नियम है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ वास्तव में आप बहुत किस्मत वाले हैं आप सौभाग्यशाली हैं ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि ये संस्थान जब आपके हाथ में मिला तो हमारे पूर्व प्रोफेसर झमधम्ब्रम्बो जी ने इस संस्थान को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कहा किया इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें ये अतिशा भवन है बच्चों का छात्र छात्रावास है एकेडमिक ब्लॉक है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और फिर हमारा गेस्ट हाउस है आदि आदि जितने भी हैं वो सब भी बहुत वेल एस्टैब्लिश हुआ था और साथ ही साथ करिकुलम के दृष्टि से हम देखें तो प्राचीन बौद्ध दर्शन प्राचीन परंपरा और अर्वचीन जो आधुनिक उसका समन्वय से बहुत ही सुंदर ढंग से जो है एक प्रकार से करिकुलम में एस्टैब्लिश था और साथ ही साथ जब विभागों की हम बात करते हैं तो सोवारा है ज्योतिष विभाग है और शिल्प विद्या से संबंधित बहुत सारे विभागों की स्थापना भी हो चुकी थी और रेस्टोरेशन है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है कोर्स है आदि आदि तो इस प्रकार से एक प्रकार से आपको जो है बहुत वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन आपको मिला और उसके पश्चात क्योंकि आप एक परिवार में पिता तुल्य हैं संस्थान का प्रमुख जो है पिता के सदस्य होता है पिता अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसको विकसित करने के लिए उसको समृद्ध करने के लिए निश्चित रूप से अपना विवेक अपना उपाय कुशलता अपनी योग्यता क्षमता का भरपूर उपयोग करता है निश्चित रूप से मैं मानता हूँ आप इसके प्रमुख होने के कारण जो आपके अंदर कैपेबिटी थी जो क्षमता थी उसके अनुरूप आपने इस संस्थान को आगे बढ़ाया है तो यह एक प्रकार से आपका दायित्व है क्योंकि आप पिता हैं इस संस्थान के ये तो एक आपका कर्तव्य है निश्चित रूप से आपने अपने कर्तव्य को बाखूबी से निभाया है ऐसा मेरा मानना है बीस तेईस वर्ष में जो आपने इस संस्थान को दिया सेवा किया जो पुण्य आपने संचय किया मैं उसका अनुमोदन करता हूँ परिणामना करता हूँ और फिर संस्थान से पद होने के पश्चात भी मैं आशा करूंगा कि ये संस्थान आपका है आप आते रहेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उसके पश्चात आपके जीवन में जो अपना उद्देश्य होगा वो पूर्ण हो आप चिरंजीव हों स्वस्थ हों इसके लिए मैं तथागत बुद्ध से कामना करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मैं अपनी को करना। आ, संयोग वियोग की मनोदशा का वर्णन संयोग और वियोग की मनोदशा का सुंदर वर्णन नेगी जी आपने दार्शनिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया आपने समतेन जी को सौभाग्यशाली बताया और उनके पुण्य की अनुमोदना भी कर दी और आपने उनका उनको आमंत्रित भी किया कि आप हमेशा यथा समय अपने परिवार को हम लोगों को आप देखते रहें और आशीर्वाद प्रदान करते रहें दिशा निर्देश करते रहें ये होता है ये शिष्ट परंपरा है हमारे यहाँ की बड़ी बेजोड़ परंपरा है कि हमारे यहाँ उच्च सुशिक्षित गुरु आचार्य का सम्मान हमेशा होता है आचार्य सबसे बड़ा होता है आचार्य से बड़ा कोई दूसरा नहीं होता है सबसे प्रथम आचार्य होता है आचार्य ही पिता होता है आचार्य ही माता होता है लिखा है उसमें जब जब ब्रह्मचारी आचार्य के सन्निधि में क्या है वहाँ गुरुकुल में पहुँच जाता है तो वहाँ कहाँ माता रहती है वो पिता गांव में रहता है वही सर्वे सर्वा बन जाता है तो आपने बहुत अच्छे रूप में आपका सम्मान आपको सम्मान दिया बहुत अच्छा लगा नेगी जी अब, अब मैं